नमस्ते नमस्ते, आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। के लिए इतना बड़ा गुलदस्ता और हम सब में से किसी के लिए कुछ भी नहीं। खाली है। आप लोग आइए, खाना तैयार। अगर मांस मच्छी हमारा मतलब शाकाहारी तो है ना खाना। सुजाता बहू, चिंता मत करो, यहाँ सब शाकाहारी खाना। आजकल बहू बहुत अच्छा मारवाड़ी खाना बनाती है। हाँ, अच्छा है। आई काकासा, मैं ये सोच रही थी कि कल मकर संक्रांति है, तो क्यों ना हम शादी की रस्में कल से ही शुरू कर दें। कल से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता ना रस्में शुरू करने के लिए। जी अन्नपूर्णा जी, मन में तो कोई दिक्कत ना है। क्यों शर्मिष्ठा? हाँ माँ जी। शर्मिष्ठा जा, दाल लेकर आ। अब हम लेके आते हैं माँ जी। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये दाल तो ठीक है, तो फिर मासी आखिर करना क्या चाहती है? स्वरा, तुम्हारे लिए। खुश रहो। जेले, हारे लिए। हमेशा खुश रहे। रशीद, ये सारा मेघ अंदर संभाल के रख। जी माँ जी। Thank you.
क्या बात है? शाम से देख रही हूँ तुम, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो, वैसे तुम पर भी किसी की नजर है। हमारी जीजी, उनकी नजर तुम पर। और वो तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। मौसम बदल रहा है तो इसलिए बीमार पड़ गए। शर्मिष्ठा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और बाहर मत जाइएगा। ठीक है डॉक्टर, चलिए आइए, लेट जाइए, आइए। माँ, आपको ये पैर में क्या हुआ है? माँ, ये चोट कैसी, कब लगी? माँ, ये कब हुआ और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? स्वरा, अब माँ तुम्हें बताएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए ना, ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें, इतनी लापरवाह हो गई हो तुम। I'm sorry रागिनी, वो आज सुबह मैं घर पर नहीं थी इसलिए मुझे नहीं पता। माँ देखा आपने, आपकी वजह से रागिनी ने मुझे डांट दिया। डांट नहीं रहे स्वरा, बस कह रहे कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। देखो ना, वैसे भी देखो माँ कितनी कमजोर होती जा रही है। रागिनी वो मेरी बात ही नहीं सुनती है, अब तुम ही उन्हें डांटा करो। हाँ, लगता है कि अब यही करना पड़ेगा। माँ बस बस, मेरी नानी हो, मेरी चप्पल में कील थी और मैंने देखा नहीं इसीलिए थोड़ा लग गया, सॉरी, आगे से सावधान रहूं। गुड गर्ल। डॉक्टर कोई और रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिए, हम ध्यान रखेंगे। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, मैं टेटनस का इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके शेखर जी, शर्मिष्ठा जी अब ठीक है ना? जी। अब काकी साहब, किसी चीज की जरूरत तो ना है? ना ना, सब हो गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है वाको, और स्वरा है अंदर शर्मिष्ठा के साथ। हम माँ के लिए गरम हल्दी वाला दूध लेकर जाते हैं। हमने कहा था कि जीजी खुश नहीं है, इसलिए एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। उर्वशी, ईश्वर के लिए चुप हो जाओ। तो बाबूजी आप ही बताइए, अगर ऐसा नहीं है फिर क्यों स्वरा और शर्मिष्ठा जी के साथ ही हादसे हो रहे हैं? पहले स्वरा के ऊपर खून गिर, उसके बाद शर्मिष्ठा जी के पैरों में चोट लग रहा है, उनकी नाक से खून निकल रहा है, और स्वरा और संस्कार की कुंडलियां जल गई। हाँ, और ऐसे में अंधविश्वास के लिए शगुन अपशगुन से बड़ी बात यह है कि जैसा हम सोचते हैं हालात हमें वैसे दिखाई देने लगते हैं। देखिए उर्वशी जी, कल मकर संक्रांति है, साल का पहला बड़ा त्योहार, अगर आप सब ठीक सोचेंगी तो सब ठीक ही होगा। हाँ, कल मकर संक्रांति है और हमने घर में पार्टी रखी। दादाजी, पापा,
हमने बहुत दिल से पार्टी रखी है, तो अगर आप सब भी आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रागिनी, इसका सारा इंतजाम तूने किया है? हाँ मासी। ना जब खुद मालकिन है तो इंतजाम तो खुद किया ही होगा ना अच्छे से। ना मैं तो बस। शेखर जी अब आज्ञा दीजिए। पापा जी, हम भी जरा माँ को देख कर आ। माँ का ख्याल रखना, संस्कार आप भी जल्दी आ जाइएगा, कल सुबह संक्रांत की पूजा है तो हम सबको जल्दी उठना है, चलते हैं माँ। माँ अपना ख्याल रखे। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलता हूँ। तुम ठीक हो? कभी-कभी बहुत डर लगता है संस्कार, जब आपको संभालने वाले की तबीयत खराब हो जाती है, लगता है कि अब एकदम अकेले हो गए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं होगे। माँ का ख्याल रखना, और अपना भी। अपना ख्याल रखना। मैं भी आई। जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि कल आपको हमारे साथ ढेर सारी पतंग उड़ानी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, वैसे भी अपने बच्चों को खुशियां देखकर माँ की तबीयत ठीक हो ही जाती है, किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। चाची जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप जाइए बैठिए, हम ये सब कर लेंगे। जीजी, आ गए। नमस्ते। आइए आइए। नमस्कार काका साहब। नमस्कार शेखर जी। खुश हो? जाके वो दिल के लड्डू तो खिला सबको। जा। अब काका, सबके लिए
लिए पानी और शरबत ले आइए, पर माँ के लिए मिठाइयाँ मत लाइएगा, उन्हें पसंद नहीं। हम बस अभी आए। पापा जी आप कुछ लेंगे? और आप सब कुछ? अच्छा, आप सब बैठ के बातें कीजिए, हम बस अभी आए। हमने सुना है यहाँ पास में ना एक भविष्य बताने वाली औरत आई है, चलिए ना हम भी जाकर हमारा कल जाते हैं। यू मीन टू से फॉर्च्यून टेलर? हाँ फॉर्च्यून टेलर, चलिए ना। अब भागिनी पहले पतंग उड़ाते हैं फिर चलते हैं। जी नहीं, मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती पर मैं सीख लूंगी। अच्छा तो मतलब तुम कच्चा नींबू? कच्चा नींबू? कच्चा नींबू? मेरा मुंबई में एक दोस्त है, वहाँ पे किसी को कोई गेम नहीं आता या फिर टीम में कोई इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं होता ना तो उसे कच्चा नींबू कहते हैं। कल तक मैं प्रिंसेस थी, अभी कच्चा नींबू हो गई? हाउ मीन। तो तुम प्रिंसेस कच्चा नींबू? सर तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। बट आई लव यू माय कच्चा नींबू। मैं तुमसे बात नहीं करती, जाओ। मुझे कच्चा नींबू खा, जाओ। मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहती, मैं तो मेरे बाबा की टीम। आ जाओ बेटा, चल तुम्हारी टीम में आ जाओ, चलो चलो। जाओ जाओ, मैं अकेला ही काफी हूँ सबके बराबर। पुत्रा तुम ना हमारी टीम में आ जाओ, क्या है ना कि लूजर्स को अकेले ही पतंग उड़ाने दो। पतंग उड़ाना आता भी है कि नहीं? हाँ तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? बड़ा प्रेशर है आज तो, होने वाले दिमाग तो हरा है। शेखर तुम भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। अरे खड़ी कहीं जाना लेके, पतंग लेके जा पीछे के जा और पीछे जा। अरे ध्यान कि आप ढील दो के तोड़ाऊंगी ना पतंग, के कर रहे हो आप भी? हाँ मार को पता है ढील देने के बाद कितनी गुंसी जाती है पतंग, हर को ढील दे के देख लिया ना मैंने। आप ना हमारी बिल्कुल इज्जत ना करते हो आजकल, मैं ना था उड़ा रही आपके साथ पतंग। सुन तो सही मेरी बात तो सुन, इज्जत से बोल रहा था प्यार से बोल रहा हूँ, हर भी ना पतंग थोड़ी उड़ा सकता हूँ है कि नहीं? मान जाओ ना सुजाता, जिज्जी बोल रही है तब मान रही मानो ना, ये तू नाटक ना कर उड़ा पतंग, साथ में मत उड़ जाना, आ जा। अरे गई गई गई। जी आपकी चरखे मैं पकड़ू? कोई जरूरत ना। माँ जी आइए, माँ जी बैठ। उधर तुम यहीं खड़ी रहो ठीक है? अरे 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 अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। वन टू थ्री। ये खड़ी हो, तुम्हें उड़ानी चाहिए थी ना ये। एक सेकंड बाबा।
दादा ही बोल रहा था, किसी का मुंह बंद करना है। लक्ष्य, कोई देख लेगा। हाँ तो देखने दो, क्या फर्क। लक्ष्य, पतंग काटोगे। जीजी को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर अफसोस उनके जीवन की डोर बीच में ही काट दी गई। कोई बात नहीं, लागने होता है कभी कभी। चल मैं तुम्हें अच्छी से चाट खिलाता। चल। हमारी जीजी को भी पतंग उड़ाने का बहुत शौक जो बिन मांझे के उड़े ही जा रही है। जिसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, उदास परेशान बस उड़े जा रही है। जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वशी, किससे बात कर रहे हैं? जी जी से। हम जानते हैं जी जी आप पर क्या बीत रही है, हम समझ सकते हैं। उसी की होगी जो तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में हराने वाला है, कच्चे नींबू। देखो अब मेरा कमाल। हिरोशिमा से कहाँ जा रही है? लो सोरा, देखो काट दी अपने कंपेटिटर की पतंग। अब बोलो। अरे कुछ बोल भी दो। अच्छा सॉरी,
चलो अब नहीं बुलाऊंगा कच्चा नींबू तुम्हें। कहां गई? मासी इसी तरफ आई थी, पता नहीं अकेले अकेले कहां जाती रहती है। देखना होगा कि अब क्या करने वाली है। मांझा ऐसे किसने बांधा? ये पतंग तो वही है जो स्वरा। यार ये लड़की भी कमाल है, मतलब बात ना करने के चक्कर में जंगल में घुस गई। लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता बॉस। प्रिंसेस, तुम्हारा प्रिंस तुम्हें कब से ढूंढ रहा है। स्वरा,
पानी पूरी अच्छी थी ना? हाँ, लक्ष्य चलिए ना वहां जाकर हमारा भविष्य जानते हैं। तुम्हें सच में जाना है? हाँ, पर अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। थैंक यू। बैठी आप इस पर अपना साइन कर दीजिए, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगी। ओके। चलिए। जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आने वाले दिन तुम्हारे बहुत अच्छे जाएंगे। आने वाली नहीं, आ गई है। बंद कीजिए, बस रखनी बहुत हो गए, चलो यहां से। एक मिनट, पर तुम इससे लड़कर अपनी जीत हासिल करोगे। बाकी मैंने कहा ना, चलो। लक्ष्य, लक्ष्य, वो औरत क्या बात कर रही थी? लक्ष्य कैसा खतरा, लक्ष्य कैसी जीत? रागिनी तुम बिना किसी की भी बात पर विश्वास करने लग जाती हो। ओके ठीक, चलो। रागिनी एक सेकंड, वो मैं उसके पैसे देना तो भूल ही गया। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं उसे पैसे देकर आऊं। वैसे रागिनी, तुम अगली बार मेरे साथ पतंग मत उड़ाना, तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी खतरा हो गया तो बेकार में प्रॉब्लम हो जाएगी। रागिनी, कहा था ना खतरा।
स्वरा 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 आंखें खोलो स्वरा 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 आंखें खोलो स्वरा 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 ये सब ये नहीं कुछ मत बोलो कुछ मत बोलो स्वरा 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 वो मैं आपको पैसे देना भूल गया था ये मेरा फॉर्च्यून बताने के लिए और ये रागिनी का भविष्य बताने के लिए ये लीजिए तुम्हारा खेल खत्म रह गया अब मैं इन पेपर्स का यूज करके डिवोर्स फाइल करा दूंगा तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया उसे कैसे भूल सकता हूँ तुमने मुझसे जो छीना है वो सब वापस ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला अब तुम ना इस घर की मालकिन रहोगी और ना ही मेरी पत्नी अब सब ठीक हो जाएगा एक तरफ तरफ स्वरा और संस्कार की शादी और दूसरी तरफ तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म